मक्खन है। देखिए ये कैसी इच्छा आपकी दिल में जागी कि यह बच्चों को पढ़ाया जाए के, और किस तरह के बच्चे हैं ये लोग? ये लोग गरीब तटके के बच्चे हैं, इनके माता पिता नहीं पढ़ा सकते, उतनी आमदनी नहीं है, और प्राइवेट स्कूल भी 100 रुपये फीस लेता, उसमें जाने की भी ये लोग की आमदनी नहीं कि जाके वहाँ पढ़ सकें, और गरीब बच्चे हैं पढ़ नहीं पाते इस वजह से। तो हम लोग भी गरीब हैं, 8 बहनें हैं, मेरे अब्बू बहुत गरीबी से हम लोग को पढ़ाए हैं, तो लेकिन मतलब आधी ही पढ़ाई कर पाए, हम लोग ने छोड़ दिया। फिर हम लोग सोचते हैं या मानो तो अपने बच्चे नहीं, मानो तो किसी के बच्चे नहीं, तो हम लोग सोचे सब बच्चों को अपना ही मान लिया जाए, अगर उन्हीं को शिक्षा दे दें, अगर आने वाला कल उन्हीं का अच्छा हो सके तो हम लोग का भी अच्छा हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि हाँ हमारे कल कहीं भी हम जाएंगे तो ये कहेंगे मेरी टीचर हैं, आज इन्होंने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी और हम लोगों को आगे बढ़ाया, कल के उन्हीं के चलते हम लोग को सम्मान मिलेगा और इज्जत मिलेगी। प्रेरणा कहाँ से मिली? हम लोगों के दिन में ये जागी जब हम लोग गरीबी से पढ़े, जिस हिसाब से हम लोग का वो दिन था कि हम लोग ड्रम बॉक्स पेंसिल रबड़ दे के तरसते थे, जो भी बच्चे लाते थे स्कूल में हम लोग उनको देख के सोचते थे कि हम लोग भी पेंसिल रबड़ खरीदे, तो हम लोग ये नहीं चाहते कि आज के बच्चे ये तरसे, हम लोग आज देखते हुए ये काम उठाया है। हम लोग सब बहनें सिलाई करते हैं, रेडीमेड सिलाई लाते हैं, उसको करते हैं, और वही हिसाब से पैसा मिलता, पूरे घर का खर्चा चलाते हैं।